हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमिक हब। तो ये होने वाला है हमारा लास्ट पार्ट हिस्ट्री के पहले चैप्टर का। तो इससे पिछले पार्ट में हमने अर्ली ह्यूमन के टूल मेकिंग के बारे में पढ़ा था, वही साथ में मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट दोनों के बारे में पढ़ा था। तो इससे पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके थे ये पूरा, और यहाँ हमने देखा था कि लैंग्वेज एंड आर्ट दोनों ही एक दूसरे से इतना रिलेटेड क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही सर्व करती हैं ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ से आगे की बात अब हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अभी जितना भी पार्ट बचा हुआ है हमारा, जो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, उसे हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता चलूँगा, हम उसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अब पेंटिंग्स की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स मिली हैं एनिमल्स की, जो कि बनाई गई थी 30,000 से 12,000 ईयर्स अगो के बीच में। तो ये पेंटिंग कहाँ डिस्कवर हुई है? ये डिस्कवर हुई है लेसेक्स और शोवेत, ये दोनों जगह ही फ्रांस में है, और अल्तामीरा जो कि एक जगह है स्पेन में। तो ये जो पेंटिंग डिपिक्ट करती हैं, ये डिपिक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, जैसे बिशन, हॉर्सेस, डियर, मैमर्स, राइनोस, लाइन, बियर, पैंथर, हाइनास एंड आउल्स। तो इन पेंटिंग्स के मिलने से बहुत सारे प्रकार के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कि केव्स के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही पेंटिंग क्यों बनाई गई थी, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स ही पेंट क्यों करे गए थे, बाकी के एनिमल्स क्यों पेंट नहीं करे गए थे। मेंस की पेंटिंग इंडिविजुअली और ग्रुप्स में दोनों तरह से बनाई गई थी, पर वुमेन्स की क्यों नहीं बनाई गई थी। तो वुमेन्स की पेंटिंग एनिमल्स के नियर क्यों नहीं बनाई जाती थी, जबकि मेंस की बनाई जाती थी। तो इस प्रकार के कई सवाल खड़े हो गए थे इन पेंटिंग्स के सामने आने। तो इन सारी चीज़ों को सेवरल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं हम। तो पहला रीज़न हो सकता है कि पेंटिंग करने से वो लोग कोई रिचुअल या फिर कोई मैजिक मानते हों सक्सेसफुल हंट के लिए, कोई शगुन टाइप बोलते हैं ना, ऐसा मानते हों। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या प्रोवाइड करता है? दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये जो केव्स थी, ये मीटिंग प्लेसेस हो सकती हैं अर्ली ह्यूमंस की, जहाँ पर वो हंटिंग टेक्निक को एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, या फिर हो सकता है ये अपनी बातें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इन पिक्चर्स का, इन डिपिक्शंस का प्रयोग करते होंगे। तो ये दो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे जाते हैं इन पेंटिंग्स के पीछे। तो ये जो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से बेस्ड हैं, बट स्टिल अब भी ऐसी चीज़ें हैं कई जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदर्स इन साउथ अफ्रीका। तो इसमें आप इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि कुंगसांग हंटर गैदर सोसाइटी लिविंग इन द कालाहारी डेजर्ट। कुंगसांग कहाँ की हंटर गैदर सोसाइटी है? ये है कालाहारी की। बाकी आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। आगे की बात कर लेते हैं। तो अब हम आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म दिख रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, और ह्यूमन के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हंटर गैदर सोसाइटीज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले जो राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बार उसे देखेंगे हम। इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी क्या होता है? इथेनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी इथेनिक ग्रुप्स, यानी कंटेम्प्रेरी यानी जो मॉडर्न, जो अभी प्रेजेंट में है। इथेनिक ग्रुप यानी ऐसे ग्रुप्स जो कि कल्चरली बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स के स्टडी करना इथेनोग्राफी कहलाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है? इसमें इंक्लूड करा जाता है उनके लिविंग हुड, टेक्नोलॉजी, जेंडर, रोल्स, रिचुअल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कस्टम्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज से पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो इस चीज़ पे दो अपोजिट व्यूज़ हैं। पहला ग्रुप क्या कहता है? पहला स्कॉलर्स का ग्रुप कहता है कि जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से जो अर्ली ह्यूमंस के मिले थे उनके बारे में जानने के लिए उन्हें हंटर प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज से काफ़ी हेल्प मिली थी। वहीं दूसरा स्कॉलर्स का ग्रुप कहता है कि हम इस इथनोग्राफिक डेटा के बेस पर हम पास्ट सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आज की प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटी और पास्ट की हंटर गैदर सोसाइटी में काफ़ी फ़र्क है,
पहले उनके पास सिर्फ एक ही मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड था, वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। और अब के जबकि हंटर गैदरर सोसाइटी के मेंबर्स के पास एक एडवांटेज है, वो पेड लेबरर की तरह वर्क करते हैं फील्ड्स में। अगर कभी खाने की कमी पड़ती है उनके फॉरेस्ट वगैरह में तो वो मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी पहले जो अब के समय से काफ़ी डिफरेंट। यानी जो नई सोसाइटीज़ जो हैं वो हर सेंस में मार्जिनलाइज हो चुकी हैं, जैसे ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से डिफरेंट है। ये मानना है दूसरे टाइप के स्कॉलर्स का। तो अगर आज के समय की बात करें तो आज जनरली वुमेन्स गैदर करती हैं और मैन हंट पर जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों हंटिंग और गैदरिंग साथ मिलके करते हैं और टूल्स भी बनाते हैं। तो इन सब सोसाइटीज़ में वुमेन के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूला जा सकता या नहीं नकारा जा सकता। तो आज के समय पे ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो वुमेन्स को इक्वल रोल प्रोवाइड करते हैं हंटर गैदर सोसाइटीज़ में प्रेजेंट की। अब इपियोलॉजी की बात करें यानी कंक्लूजन की बात करें तो उसमें हमें यही बताया गया है कि किस प्रकार अर्ली ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स रुक, किस प्रकार वे एक सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लगे, किस प्रकार उन्होंने अपनी सेटल्ड लाइफ को सेट करने के लिए कई तरह के फैक्टर देखे, जैसे वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और भी कुछ फैक्टर्स थे जो उन्होंने देखे। धीरे धीरे किस प्रकार उन्होंने अपने परमानेंट मकान वगैरह बनाए, तो किस प्रकार अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहे थे अ बिट मॉडर्न टाइप में, तो किस प्रकार उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप इस कंटेंट के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ोगे कि किस तरीके से फार्मिंग और पेस्टोलिज्म ने पॉट्स बनाना इनिशिएट किया जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स स्टोर करे जा सकते थे, और किस तरीके से उन्होंने कुक्ड फूड का यूज़ करना शुरू किया, और नए स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ोगे आप अर्ली ह्यूमंस। तो फाइनली लास्ट में कैसे अर्ली ह्यूमंस के बड़े बड़े ग्रुप एक साथ रहने लगे और उन्होंने विलेजेस बनाए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखोगे इस कंक्लूजन में। तो यस दोस्तों, यहाँ पे अपना चैप्टर होता है फिनिश। अब आप पूछेंगे आपने इतना ऊपर ऊपर से क्यों पढ़ाया है, आपने डिटेल में क्यों नहीं लिया है? तो शायद आपको नहीं पता हो दोस्तों, ये पहला चैप्टर थीम वन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम CBSE ने सेशन 2020-21 के लिए सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए मैंने आपको लास्ट का पार्ट थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है। एक्चुअली जब तक हमारे 3 या 4 पार्ट हो चुके थे तब हमें खबर आई थी कि CBSE ने ये चैप्टर हटा दिया है सिलेबस, पर फिर भी एज़ फॉर द नॉलेज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया, और ये रिक्वायर्ड भी था आगे की चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया। इसके अलावा मैं एक कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको डिलीटेड पोर्शन बताऊँगा सेशन 2020-21 के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए, कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों